हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नजर से में। और आज संडे नहीं है लेकिन हम लोग जा रहे हैं जू, क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा है। तो सबसे पहले आपको हैप्पी गुड़ी पाड़वा। और घर से निकलने के बाद एज यूजुअल मुंबई का ट्रैफिक, मगर आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम था, शायद छुट्टी थी या हम लोग बिल्कुल टाइम पे निकल गए थे दोपहर के वक्त। और हम लोग यहाँ जू बीच पहुँच चुके हैं। एक्चुअली प्रॉपर जू बीच नहीं है, जू बीच से थोड़ा सा आगे चलो तो वहाँ पर वो बीच आता है, क्योंकि जू बीच में तो नॉर्मली बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए ताकि हमें भीड़ ना मिले। है ना, पापा के साथ भी आई थी तो अंधेरा हो गया था, है ना मेरे। आज तो नजदीक दिख रहा है पानी। नहीं नहीं मैंने देखो, जब अपन चोको को लेकर आए थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ पीछे ही है। नहीं, इस तरफ नहीं होते। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी सूरज डूबने वाला है। और मेरी हमेशा से मन होता था इस टाइप का कि हम लोग बस आए यहाँ बैठे और बस अपना समय बिताए। तो वैसे तो आज इस बीच पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, वरना ये वाले बीच पे तो इतनी भीड़ होती भी नहीं है। ये जुहू बीच से थोड़ा सा आगे की तरफ है तो यहाँ थोड़ी कम भीड़ है, बट फिर भी मतलब मुझे क्या लग रहा है, शाम होते होते ना भीड़ हो जाएगी बिना, है ना। यहाँ लग रहा है मुझे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो हम लोग आए हुए थे तो यही सोच कर आए थे कि आज भीड़ नहीं होगी, वीक डेज है। लेकिन जैसी कार में बैठे तो वहाँ पर समझ में आया कि यार आज तो छुट्टी है यहाँ पर, तो आज यहाँ भीड़ होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विनय कहीं जाएं बाहर और अपनी रील ना बनाए, तो वो यहाँ भी अपनी रील बनाने लगे हैं। गाइस, आप उनके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो हालांकि वो कुछ प्रोफेशनली तरीके से नहीं बनाते, बट फिर भी बनाते हैं। और बीच पर आए और हाथ में कुछ चुगने के लिए ना हो, ये तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता, बीच का अपमान है। मैं कुछ लाना भूल गई थी तो यहाँ से हमने चना चूर गरम खरीद लिया है ताकि कुछ कुछ चुगते रहे। एक लेंगे, ठंड लग गई तो। मम्मी कैसा लग रहा है आपको सूरज डूबता हुआ? है? है? सुंदर सीन है। आड़ा लो ना, आप भी अपने कैमरे में आड़ा लो ना, वो ज्यादा ज्यादा सीन कवर करेगा। और विनय उस शॉप पे गए हुए हैं, वहां से शायद गोला लेकर आएंगे। वैसे मौसम तो बड़ा ठंडा सा हो रहा है, पर चलो यहाँ पर आए हैं तो गोला वोला तो बनता है। और मम्मी कैमरा टेढ़ा हो रहा है, मम्मी सीधा लो कैमरा। हाँ, मम्मी बिजी हो रखी है अपने, और ये सनसेट हो रहा है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना सामने से अच्छा लग रहा है। वाह, कितना प्यारा सीन। मम्मी गोला खा लो, मम्मा वहां डालो, मम्मी गोला खा लो, गोला खा लो, मम्मी का मन कर रहा है।
वैसे तो हमारी जुहू बीच की राइड खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर मैंने इधर का वीडियो इसलिए लिया क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ और उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ कि देखिए हम इंडियंस में इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन ये इन्होंने, इनके डॉग्स ने बाकायदा पॉटी करी है और उन्होंने पन्नी निकाल के उनकी पॉटी को ले जाके बाकायदा डस्टबिन में डाला है। तो गाइस हमें भी ये सब करना चाहिए।